किलोमीटर स्कीम के तहत भिवानी में निजी बस सेवा शुरू। कृषि मंत्री ने दिखाई झंडी। रोडवेज व अन्य कर्मचारी यूनियनों के विरोध के बावजूद गुरुग्राम के बाद भिवानी से भी निजी बस सेवा शुरू हो गई है। आज कृषि मंत्री जेपी दलाल व विधायक घनश्याम सराफ ने इस स्कीम के तहत शुरू हुई दो निजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्राइवेट के साथ सरकारी बसों की भी खरीद होगी और रोडवेज बेड़े को बढ़ाकर जनता को यातायात की सुविधाएं देने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आज बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे भिवानी डिपो के अंदर दो बसों की बढ़ोतरी हुई है और जो किलोमीटर स्कीम है हरियाणा सरकार ने जो स्कीम दी है, हमारे जो बस के मालिक हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे करके दोनों तरह की बसें चलेंगी, प्राइवेट आदमी की बस भी जिसका सारा व्यवस्था सरकारी करती है और सरकारी बसें भी, और दोनों में अच्छा कंपटीशन होगा और उपभोक्ता को आम जनता को अच्छी सुविधा देने की सरकार की नीति है, उसी का ये परिणाम है। और जिन लोगों ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि वो अच्छा व्यवसाय कर पाए। सर, 30 किलोमीटर आधार पर ये चलेंगे, कितना आमदनी रोडवेज को? ये जो सरकार की 26 रुपये कुछ पैसे की बढ़ नीति थी उसी पे इन बस मालिकों ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है और बाकी भी धीरे धीरे करके लोग, बहुत सारे लोग जो इस स्कीम को लागू करने की संभावना है और जो हरियाणा के अंदर बसों की समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी और सरकारी बस जो खरीद की कार्रवाई है वो जारी है। आने वाले वक्त में हरियाणा की जो है परिवहन की सुविधा में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। सर, जो छोटे रूट हैं उन पर बसों की कमी होती है, जो प्राइवेट बसें लगाई गई इनको लंबे रूट पर लगाया गया है वो तो इसके बदले में, ये क्योंकि नई बस है, आमतौर पर होता क्या है कि जो लंबा रूट होता है उसमें नई बस चलती है और जो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है लोकल रूट पर चलती है। अब हम नई और पुरानी का कोई भेदभाव नहीं कर रहे, बस की स्थिति देख के उनको चला रहे हैं और ग्रामीण रूटों पर भी बस की बढ़ोतरी हो। सर, रोडवेज यूनियन वो उनको गलतफहमी थी, अब उनको संतुष्ट कर दिया गया है, अब किसी तरह का विरोध नहीं है, यूनियन भी संतुष्ट है, कर्मचारी भी संतुष्ट है और जो जनता हरियाणा की है उसको लाभ मिलने वाला है। हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दें।